वेकेशन बीच अटलांटिस अटलांटिस लिख लें। अब खरीब में जा रही है रात तेरी बूम बूम मजदा भाई मजदा ये वेकेशन बीच अटलांटिस अटलांटिस लिख लें। ओके सामने अच्छा बहुत तगड़ी जगह भी है शाम के वक्त में ना देख सोलर पैनल लगा रखा है। वार्निंग दिया हुआ है ये सामने का है वो बच्चा लोगों को ऐसे नहीं रखना बस वो बता दें सीट बेल्ट लगा के रखते हैं ना ऐसे रखने नहीं मना किया हुआ छोटे बच्चों का ना उनका अलग से सीट होता है अलग से सेफ्टी होता है पीछे रखा रहता है वो खरीदना शरीर के लिए बनाया ये देख जितने सब है वो सामान वामान उठाने वाला रहता है ना बड़ा भारी भारी सामान रखा रहता है कैरियर उसी के ऊपर गाड़ी इतनी छोटी छोटी गाड़ी वो देखी नहीं कहीं मिट्टी हो गई तो थक जाएगी। बड़ा सा शिप देख हाय तौबा अस्सलाम वालेकुम मरहबा कैफ हालुकुम मेरा नाम है मोहम्मद हमजा आप देख रहे हैं मोहम्मद हमजा नूर ब्लॉग। तो आज आए हैं अपने सलाला बीच यानी रसूत में नई चीज़ खुली हुई है किसी ने बना रखी हुई इतनी और उसका नाम अटलांटिस रखा हुआ है यानी वेकेशन पीछे कुछ ऐसा कुछ है। तो आते रहते हैं हम लोग लेकिन आज कोरोना के जब सब कुछ हटने के बाद आए और मैं आइए मोहम्मद सलीम बस दो ही जाने हैं चलते हैं और देखते हैं और दिखाते हैं ठीक है चलो शम्स अच्छा चल सूरज आ गया अभी फोटो आएगा अच्छा माशाल्लाह भाई वेकेशन बीच है आओ मौज करो मौज बनाओ हम तो आ गए भाई अब आपकी बारी। अच्छा जितने भी दिमाग लगाया है बहुत ही खतरनाक दिमाग लगाया है कि ऐसा करके ऐसा बना दूँ खरीब में चहल पहल रहेगी लेकिन ये लाइट उट जो रात में जलती है ना उसका मजा ही अलग है। चलो अभी थोड़ी देर रुकते हैं रुकाते हैं तो चार फोटो खींचते थे हाँ
ना ऐसी चीज देखने के लिए यहाँ से वहां तक आए हैं। यार ये बोतल वोतल फेंका हुआ आदमी लोगों ने क्या गंदा कर देते। ये सही चीज ला रखी हुई है, ये सही चीज ला रखी हुई, पैर फंसेगा नहीं, रुकेगा नहीं, टिकेगा नहीं। अब यस बता रहा, पूरे तो जुगाड़ लगा रखा हुआ है। बोन फायर की यानी आग लगाने के लिए बनाया हुआ है। फैमिली लोग आकर बैठे आराम से, फैमिली लोग ठीक है, करना क्या है। कुछ होगा देख, क्या है, लॉक है, फाइबर का कुछ बनाया होगा ना, बहुत कुछ उधर है भाई, कुछ तो है भाई, बहुत कुछ बनाया है, पता नहीं किसी से टूटा फूटा। मैं तो एक महीना पहले देखा था तो बहुत ही ज़बरदस्त सब नज़ारे थे उस वक्त के। हाय हाय भाई, सनसेट का भी टाइम है और मज़े भी हैं, वेकेशन करना तो आ जाओ भाई रसूल में। हम लोग अगर थोड़ा अगर एक हफ्ता पहले भी होता शायद ये सब नहीं होता, अगर हवा नहीं चली होती। जब हवा चली है ना पूरा सत्यानाश हुआ होगा। है बच्चा पार्टी आता ना रे भाई, बच्चा लोग आता है ना इधर बैठने घूमने। अब देख ये इतनी जबरदस्त चीज बना रखी हुई है, बीच में आग जला के बैठो आराम से मौज करो। अब भाई खरीब इंशाल्लाह जब खरीफ पे जब आगाज होगा तब मजे आएंगे। चलते हैं भाई, चलाते हैं और चलते हैं, आते लांटेन भी दिखाऊं तेरे को, इधर चलेगा लांटेन भी सामने है भाई। पेड़ के सामने साइड में रख देते अब मौज। वे बहुत बेहतरीन पर्दा और शपाश जो तू दिखाया था ना, जो पर्दा टंगा हुआ था उस टाइम ये नया था। अभी तो बहुत अभी भी बन रहा है वो, तो मन बैठा हुआ थे, मन बैठा हुआ बनवा रहा है, खरीद पाएगी ना, देख काट के लगा रहा, तोड़ के लगा रहा, पूरी तैयारी हो रही है, लाइटिंग भी अच्छा, इंजॉयमेंट के लिए बना दिया भाई सबके लिए। तो
वही तो बता रहा हूँ, खरीफ खुलेगी ना इंशाल्लाह। सारे काम चल रहे हैं, देख रहे हैं भाई लाइट भाई इतने हमारे अगर कोई लगा दे गलती है साला बिजली के पैसे की बर्बादी कर रहा है सोलर पैनल लगा, बैटरी भी छोटी, वो स्मार्ट बैटरी, पूरे चीज का व्यवस्था कर रखा है भाई। तो भाई लोग हम तो लेट आए, लेट आने की वजह से यानी कुछ दिन पहले हवा चल रही थी, गर्म हवा ठंडी हवा मिला के, तो कुछ रहा नहीं। तो फिर कभी इंशाल्लाह आएंगे, देखेंगे, सिर्फ लेट हो गया और कुछ नहीं। अगर एक हफ्ता भी पहले आए थे तो उनको देखने को मिल गया होता। तो कुछ पिक्चरें होंगे, अब फेसबुक और इंस्टाग्राम पे डाल देंगे, वहाँ पे देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यूट्यूब चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सलाम अलैकुम।